नमस्कार। आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जैन मंदिर के बारे में। जैन मंदिर कांगड़ा किले के शीर्ष पर अंबिका देवी के मंदिर के ठीक बगल में है। ये जैनियों के लिए एक तीर्थ स्थान है जो प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करता है। ये मंदिर हरी घाटियों के बीच में स्थित है जो प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, जो तीर्थयात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। माना जाता है कि यहाँ पर मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं कांगड़ा जैन तीर्थ के बारे में। इतिहास के अनुसार श्री कांगड़ा तीर्थ प्राचीन काल का है। तीर्थ क्षेत्र को जैन तीर्थकरों के 22वें भगवान निमिनाथ के समय का माना जाता है। कांगड़ा को पहले भीमकोट और भीमनगर के नाम से जाना जाता था। इस तीर्थ क्षेत्र का उल्लेख 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच आचार्यों और उपाध्याय द्वारा लिखे गए तीर्थमालों में मिलता है। संदर्भ के अनुसार श्री कांगड़ा तीर्थ के मंदिर का निर्माण राजा शुशारामपुर के निर्देश पर किया गया था। उन्होंने उसमें भगवान ऋषभ देव की मूर्ति भी स्थापित करवाई। बाद में यहाँ कई प्राचीन मंदिर नष्ट हो गए। ये यहाँ का एकमात्र मंदिर है जो समय के कहर से बच गया। विक्रम सावंत काल के वर्ष 1947 से हजारों तीर्थयात्रियों ने तीर्थ क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार ये हिमाचल प्रदेश का एक उल्लेखनीय और मुख्य तीर्थ बन गया है। श्री कांगड़ा तीर्थ के मंदिर में भगवान आदिश्वर की मूर्ति है। मंदिर को जटिल कलात्मक डिजाइनों से भव्य रूप से सजाया गया है। रचनात्मक मंदिर का काम कारीगरों के कौशल का दावा करता है। भगवान की मूर्ति लाल रंग की है और पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। मूर्ति को एक ही पत्थर से खूबसूरती से उकेरा गया है और ये बहुत आकर्षक लगती है। भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत शांत और निर्मल दिखता है। श्री कांगड़ा तीर्थ का मंदिर कई वार्षिक सभाओं और समारोहों का आयोजन करवाता है। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से 15वें दिन तक का मेला लगता है। तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशाला या विश्राम गृह की व्यवस्था होती है। ये सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं। इसके अलावा उपेक्षे एक आयम बिलशाला और एक ज्ञान भंडार होता है। हरी भरी घाटियों के बीच में स्थित होने के कारण मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है जो तीर्थयात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।